नमस्कार, मैं दीपक रथ उदय इंडिया डिजिटल मीडिया से आप सबको स्वागत करता हूं। आज पूरे देश पूरे जश्न के साथ आज़ादी की अमृत महोत्सव बड़े धूमधाम से पालन कर रहा है, और जैसे ट्रेडिशन है हमारा, इस देश की संस्कृति है, हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लाल किला में राष्ट्रीय झंडा फहराया और उन्होंने पूरे देशवासियों को उद्बोधन दिया और उन्होंने याद कराया कैसे इस देश की हजार लाखों देशभक्त आज़ादी से पहले अपने घर परिवार छोड़ के, सब कुछ छोड़ के इस देश को आज़ादी दिलाने में लगे हुए थे। प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा, स्मरण कराया कि पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, जयप्रकाश नारायण इत्यादि कई लोग देशभक्त इस देश की आज़ादी के लिए अपने जीवन भी दिया है। और आज़ादी के बाद आज भी भारत की स्थिति ग्लोबल लेवल में कैसे बढ़ी है, भारत की जो इमेज है आज वो पूरे विश्व में कैसे बढ़ा है, भारत की सम्मान कैसे देश में बढ़ा है, इस देश की किसान किस तरह से आज गर्व में रहता है, इस देश में साइंटिस्ट कैसे ऊंचा उठ रहा है, भारत की जो बॉर्डर रोड से वो कैसे बढ़ा है, आज भारत कैसे एक आत्मनिर्भर भारत की तरह आगे बढ़ रहा है, ये प्रधानमंत्री जी ने सब देशवासियों को उद्बोधन में बताया। उन्होंने कहा कि वो टैलेंट तब भी था और वो टैलेंट आज भी है, लेकिन फर्क इतना है कि तब भी लोग खेलते थे, ऐसा नहीं है कि तब टैलेंट नहीं था इस देश के लोगों में। लेकिन प्रधानमंत्री जी का ये कहना था कि जो स्पोर्ट्समैन भारत में थे वो तब भी थे, लेकिन हमने उनके मन में एक उमंग जगाया जिसके कारण अभी अभी जो ओलंपिक्स हुआ, आपने देखा भारत में कितने सारा मेडल्स जीता। उन्होंने ये भी याद कराया कि कनेक्टिविटी जो कि देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक सबसे बड़ी मुद्दा है, इस देश से गाँव से लेके शहर तक कैसे रोड्स बनी हुई है, कितनी ज़्यादा रोड्स इस सरकार ने बनाया, कनेक्टिविटी कैसे बढ़ी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे हुआ है जिसके चलते डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ी है, ऐसे कई सारे मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी ने बात किया है। आज प्रधानमंत्री जी के भाषण पर एक छोटा चर्चा हमने आज़ादी की अमृत महोत्सव पर यहाँ करने जा रहे हैं। हमारे साथ सीनियर प्रेसिडेंट अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद के श्री आलोक कुमार अग्रवाल जी हैं। आलोक जी, आपको उदय इंडिया डिजिटल मीडिया से मैं प्रणाम कर रहा हूं। जी नमस्कार जी। हमारा साथ प्रशांत नंदा जी है जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा में बीजू जनता दल से, ओडिशा से। आप ओडिशा सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, और प्रशांत नंदा जी बहुत बड़े फिल्म एक्टर है, डायरेक्टर है, और आज राज्यसभा में उन्होंने बहुत एक्टिवली रोल प्ले कर रहे हैं, बीजू जनता दल को उड़ीसा को नेतृत्व दे रहे हैं। तो उनसे भी सुनेंगे कि बीजू जनता दल उड़ीसा और देश के लिए कैसे काम कर रहा है। हमारा साथ नमस्कार हमारे साथ डॉक्टर ज्योति किरण है जो कि राजस्थान फाइनेंस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन है और पॉलिटिकल एनालिस्ट है और इकोनॉमिस्ट है और उदय इंडिया के कलमिस्ट भी है। ज्योति जी, मैं आपको स्वागत कर रहा हूँ उदय इंडिया मीडिया में। हमारे साथ रेणु मित्तल जी है जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है, और रेणु मित्तल जी पिछले 25-30 साल से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज कवर किया है, खास करके उन्होंने कांग्रेस पार्टी को बड़ा जोरदार से कवर किया है और बहुत लंबे एक्सपीरियंस है रेणु जी का। रेणु जी, आपको उदय इंडिया मीडिया में स्वागत करता हूं। और हमारे साथ अशोक उपाध्याय जी है जो सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने यूएनआई एजेंसी का एडिटर करीब 25 साल रहा है, उन्होंने बीजेपी को कवर किया है करीब 25 साल और फिर से संपादक का रोल आपने निभाया। अपना चर्चा शुरू करते हैं आलोक जी। जो आज़ादी की अमृत महोत्सव आज देश पूरे देश पालन कर रहा है, और विश्व हिंदू परिषद जो है एक देश नहीं विदेश में भी एक सबसे बड़ी संगठन है जो कि देश के लिए लगातार काम करते आ रहा है, तो जो आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए विश्व हिंदू परिषद क्या क्या प्रोग्राम ले रहा है और देश को आगे बढ़ाने के लिए विश्व हिंदू परिषद की क्या रोल रहेगा, हम आपसे जानना चाहेंगे।
आज आनंद का दिन है। मैं जी आपके प्रश्न का उत्तर दूं उसके पहले एक जी एक सिंबॉलिक बात है। जी प्रधानमंत्री जी ने भी जिक्र किया, जी 75 वर्ष से जी प्रतिवर्ष हम स्वाधीनता दिवस मनाते, प्रधानमंत्री जी राष्ट्रध्वज फहराते हैं लाल किले से, जी और 32 तोपों से 32 गोलों से उनको सलामी दी जाती है राष्ट्रध्वज को। 75 वर्ष से जिस गन कैरिज से वो गोले दागे जाते थे वो विदेशी थी। जी आज पहली बार 75 वर्ष बाद अपने स्वाधीनता दिवस पर ध्वज के अभिनंदन के लिए जो जो गोले दागे गए वो भारतीय तोप से दागे गए। एक बड़े गर्व की विषय है, सिंबोलिज्म, गर्व की बात है। जी एक सिंबोलिज्म। जी और हम किस तरह से अपने मन की विदेशी दासता से मुक्त हो, जी इस पर उन्होंने जोर दिया। जी हम स्वाधीन हो गए, हम स्वतंत्र हो, जी माने तंत्र भी हमारा। जी प्रधानमंत्री जी ने भी जिक्र किया, जी हम भाषा की गुलामी से आज भी बंधे हुए, जी विद्वानों की सभा में अभी भी हिंदी बोलना संकोच की बात है, अंग्रेजी बोलना रिवाज है। जी हम इससे कैसे बाहर आएंगे, हम अपने परिवार की कल्पना को दोबारा कैसे स्थापित करेंगे, जी हम अपने मूल्यों पर, अपने सांस्कृतिक विरासत पे गर्व करते हुए उनके आधार पर जीवन जीने का कैसा प्रयत्न करेंगे। जी विश्व हिंदू परिषद इन सब चीजों के लिए लगातार काम करती है। अपनी संस्कृति का, अपनी परंपरा का गर्व होना, जी उस पर नैष्ठिक होकर चलना, जी परिवार ने सामूहिक रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करना, जी संस्कृत का विकास होना, गो जी संवर्धन होना, जी हमारे समाज को बांटने वाली जो घृणास्पद छुआछूत, छुआछूत कम हो गई पर ऊंच नीच की भावना अभी भी है, जी इसको हटा करके देश में समरसता स्थापित करना। जी और ये समरसता केवल भावात्मक नहीं हो सकती। जी अगर अनुसूचित समाज शिक्षा के मामले में, कौशल के मामले में, जी रोजगार के मामले में जी पिछड़ा रहेगा जी तो केवल सहबोध से एकता नहीं आती। जी विश्व हिंदू परिषद ने इस बात के लिए भी संकल्प किया है जी कि देश के अर्बन स्लम्स में रहने वाले जी अनुसूचित समाज के बंधुओं के लिए जी शिक्षा, कौशल और उनका अपना व्यापार और उद्योग, जी इस सबके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। जी तो सब मिला करके जी भावनात्मक एकता, अपनी परंपरा पर गौरव, अपने सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर जीवन का गठन, जी परिवार इकाई को बल देना, जी संस्कृत और संस्कृति का आग्रह रखना, जी अपनी भाषाओं पर गौरव रखना, इस सब के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं, समरस समाज के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। जी जो प्रधानमंत्री जी ने पंच प्राण बताए हैं उसमें ये यूनिटी की बात भी कही है, एकात्मता की बात भी कही है, और देश को विकसित से, अब विकासशील से विकसित देश बनाने के लिए भी कहा है। जी उनके 5 बिंदुओं में से 3 बिंदुओं पर विश्व हिंदू परिषद निरंतर काम करता है, और जी मैं विश्वास करता हूं कि जी इन 25 वर्षों में देश इन सब चीजों में आगे बढ़ के दुनिया जी में अपना शीर्ष स्थान प्राप्त कर लेगा। जी आलोक जी, इसमें विश्व हिंदू परिषद कोई स्पेशल प्रोग्राम में रख रहा है क्या अमृत महोत्सव की ओकेजन पर? लगातार हो रहे। आज सवेरे जी मैंने अपने केंद्रीय कार्यालय पर झंडारोहण किया था, जी वहां पे जो सुरक्षा कर्मी है और कार्यालय के जितने भी बंधु हैं उनके सब परिवार, जी हम लोगों ने झंडा अभिवादन किया है। देश भर के सब कार्यालयों में और शाखाओं में तिरंगा लहराया गया है, झंडा जी अभिवादन किया गया है। पर उससे जी भी बड़ी बात यह है, इन सब कार्यक्रमों में जी हमने समरसता और उन्नति के अपने संकल्प को
दोहरा करके आगे बढ़ने के बारे में निश्चय किया है। आलोक जी, आपने सोशल हार्मोनी की बात किया, सामाजिक समरसता की, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए सोसाइटी में भी कोई कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद कर रहा है क्या? जी मैंने मैंने बताया जी देश में जो शहर हैं उसमें रहने जी वाले जो स्लम्स हैं जी उसके अनुसूचित बंधुओं को मिलना, जी उनके बारे में शिक्षा की व्यवस्था करना, कौशल की व्यवस्था करना, और वो केवल नौकरियां मांगने के लिए नहीं जाए, जी वो केवल सफाई कर्मचारी, क्लर्क, मलेरिया ऑफिसर, एलडीसी होने के लिए नहीं जाए, वो अपना उद्योग स्थापित करें, वो अपना व्यापार शुरू करें, जी इसके लिए कौशल दिलवाने के बाद में जी बैंकों से उनको ऋण दिलवा करके उनको रोजगार में सेटल करना, ऐसी एक महत्वाकांक्षी योजना पर हम काम कर रहे हैं, जी जिससे ये जो अनुसूचित समाज माने अनुसूचित जाति और जनजाति, ये आर्थिक रूप से भी, शैक्षणिक रूप से भी, कौशल में भी और काम धंधे में भी समृद्ध हो सके। जी जी अलग जी, एक और आपका ध्यान में लाना चाहता हूँ, हमारा गृह मंत्री अमित शाह जी और जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, इन दोनों ने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पे उन्होंने बयान दिया है कि अब भारत को पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को देखना चाहिए, उसकी तरफ देखना चाहिए, माँ शारदा पीठ वहां है, तो वो अगर पाकिस्तान में होगा तो कैसे चलेगा, उस पर विश्व हिंदू परिषद की क्या रिएक्शन होगी? सब भारतीय इसका समर्थन करेंगे, जी पर हम तो चाहेंगे कि ननकाना साहब के बारे में, जी करतारपुर के बारे में, जी नरसिंह भगवान के मंदिर के बारे में, जी गौरी शंकर शिखर के बारे में, जी इन सब बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। जी जी आप अभी जाइएगा मत, मैं रेणु जी को पूछता हूँ। रेणु जी, रेणु जी, आलोक जी ने बताया कि प्रधानमंत्री जी ने विकास की बात किया, सोशल हार्मोनी की बात किया, अजय जर्नलिस्ट आपको क्या लगता है, पीएम ने अपना वक्तव्य में जो सो बात किया, आप उसको कैसे देखते हैं? रेणु जी हाँ बोलिए, रेणु जी बोलिए, दोबारा रिपीट करेगा, आवाज नहीं आ रही थी ठीक से। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने आज सोशल हार्मोनी की बात किया और उन्होंने कहा कि भारत आज पूरे विश्व में अपना एक जो इमेज है भारत का, आज वो बढ़ा है और पूरा विश्व भारत की तरह देख रहा है। ये बात सही है, पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि हमको एक ग्लोबल पावर बनना है, उन्होंने एक डेडलाइन सेट की है जब तक कि हम डेवलप्ड नेशन हो सकते हैं, पर इस डेवलप्ड नेशन के लिए देखिए कई बिंदु होते हैं, शायद प्रधानमंत्री कहना भूल गए या वो कुछ चीजें वो जो है वो सोचते हैं कि अंडरस्टूड है। एक तो ये है कि जिस तरह की हमारे देश में आजकल टूट रही है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट है, देश हमारी देख रहा है, बहुत सारे देश हैं जो हमको देख रहे हैं कि हम किस तरह से अपन रिलेशंस कंडक्ट करते हैं, से हम को साथ लेके चलते हैं, जिस तरह का देखा पिछले कई सालों में जी, या प्रधानमंत्री या उन बहुत सारे इश्यूज पे तो किया चाहिए है, इससे जी हमको बहुत सारा टूरिज्म, तो प्रधानमंत्री तो ये भी की है कि जो है कि देखिए हर हिंदुस्तानी इसमें अपने आप, आवाज कम आ रहा है रेणु जी, आवाज थोड़ा ठीक करिए। रेणु जी के पास हम दोबारा आएंगे, रेणु जी सुन पा रहे हैं आप? रेणु जी के पास हम दोबारा आएंगे। हम श्री प्रशांत नंदा जी जो कि बीजू जनता दल से है और राज्यसभा की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम राज्यसभा,
मिस्टर नंदा, आप इसको कैसे देखते हैं, जो पीएम ने आज कहा कि सोशल हार्मोनी की बात कहा, देश विकास की ओर चल पड़ा उसकी बात कहा, और इसके लिए ऑब्वियस है कि हर स्टेट का इसमें रोल है, हर पार्टी का रोल है, हर आम नागरिक का भी रोल है, और पीएम ने लोगों के अंदर, समाज के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया है। उनका ये कहना था कि सबको एकाठी होकर काम करना पड़ेगा। आजादी से पहले जैसे अलग अलग तरीके से लोग काम करते थे, लेकिन एम एक ही था। तो आज इंडिया को विश्व गुरु बनना है, इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन बनना है, उसमें बीजू जनता दल क्योंकि पिछले 20-25 साल से उड़ीसा में राज कर रहा है और एक सीनियर रीजनल पार्टी भी है, तो आप क्या कहेंगे पीएम का स्पीच पे, आपका टिप्पणी क्या रहेगा? एक तो बात सही है कि 25 साल जो मिला है जी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी को, उन्होंने उन्होंने ठीक से समझा है लोगों का पीड़ा क्या है और उसको समाधान करने के लिए बहुत सारे काम किए हैं। नंबर वन, उन्होंने सोचा कि फूड सिक्योरिटी देना चाहिए गरीब लोगों को, और फूड सिक्योरिटी उन्होंने दिया। उसके बाद उन्होंने चाहा कि हम हेल्थ सिक्योरिटी देंगे, उसके लिए भी बंदोबस्त किए हैं। उन्होंने चाहा कि उनके फार्मर को भी सिक्योरिटी चाहिए, हेल्प चाहिए, उसको कल्याण योजना किया। उन्होंने यह चाहा कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लेबर हैं उनका भी देखना है, तो उनके लिए भी बंदोबस्त किया है। अब ये सब करने के बाद अभी ओडिशा जो 25 साल पहले था वो उसमें डेफिनेटली लोगों का भावना बदल गया है। हर साल 2-3 बत्तियां साइक्लोन आना ही आना है ओडिशा को, पर अब चिंता नहीं है। पर चिंता इसलिए नहीं है कि उसको कैसे उसके साथ लड़ाई किया जाए, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने समझा दिया है, सिखा दिया है सारे लोगों को। अभी मैं जो सोशल इक्वालिटी इसके हार्मोनी इसके ऊपर जो माननीय प्रधानमंत्री जी बोले थे, उनको वो कितना सही है वो मैं आपको बताता हूं। 1985 में मैं एक पहाड़ी इलाका में शूटिंग कर रहा था। मैं फिल्म मेकर हूँ, डायरेक्टर हूँ, मैं शूटिंग कर रहा था। दैट वाज 1984। और उस दिन एक दिन आ गया, वो हमको छुट्टी देना पड़ा क्योंकि वो अगस्त 15 का दिन था। तो हम सब बोले क्या करेंगे, आज तो छुट्टी का दिन है, चलो इधर के पास जो वनवासी लोग हैं उनको जाके फल वल देते हैं, उनको खाना वाना देते हैं और कुछ तो करें उनके लिए, आज बढ़िया दिन है हमारा देश का जी। तो हम लोग गए और उनको बुला के खाने के लिए दिया और उनको फ्रूट दिया। तो हमने उन्होंने बोला आप तो शूटिंग वूटिंग करते थे, इधर फोटो फोटो खींचते थे, ये क्यों दे रहे हैं हमको? बोला अरे आज आज स्वाधीनता दिवस है, अगस्त 15 है। बोले वो क्या होता है? 1984 में ये सवाल था और आज 2022 में उसी वनवासी क्षेत्र से आज द्रौपदी मुर्मू जी आज प्रेसिडेंट हो गई हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकता है? बहुत बड़ी बात, क्या क्या हो सकता है? तो ये खाली खाली वनवासी के क्षेत्र में नहीं है, आप देखिए जितने पिछड़े हैं उनके लिए भी व्यवस्था किया जा चुका है और कर रहे हैं। अभी बात है विश्व गुरु बनना, विश्व गुरु तो हम बनेंगे ही जी। हम विश्व गुरु थे लेकिन मानते नहीं कोई। विश्व गुरु बनने के लिए जो वेपन चाहिए, जो अस्त्र चाहिए, वो भारत में ही है, वो भागवत गीता है जी। बहुत बड़ी बात कहा आपने। तो वो वेपन, वो अस्त्र के सहारे हम एक ना एक दिन जरूर विश्व गुरु बनेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री ने उन्होंने जो आशा व्यक्त किया
वो आशा सफल होने जा रहा है। जी जी रेणु जी आप बताइए, आपका वॉइस कट हो गया था। प्रधानमंत्री जी ने कहा, अभी प्रशांत नंदा जी ने कहा कि भारत सही में विश्व गुरु की तरह चल पड़ा है, क्योंकि भारत के पास गीता है और भारत एक डेवलपमेंट ट्रैक को पकड़ चुका है, भारत के लोग इकट्ठी हो गए हैं। क्या इस बात को मानते हैं आप रेणु जी? देखिए डेवलपमेंट शुरू हो गया था जिस दिन हिंदुस्तान ने आजादी पाई थी। ये पिछले 60-70 साल का जो जो परिश्रम है, अलग अलग सरकारों का जो काम है, उसका एक एक एफर्ट जो है वो हमको दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे आगे सरकारें आएंगी ये काम और बढ़ेगा, क्योंकि लोग अभी अवेयर हो रहे हैं कि उनको कुछ करना है। तो अगर प्रधानमंत्री चाहते हैं कि वही सारा क्रेडिट ले लें तो आई एम सॉरी, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि पिछले भी सरकारों का वो जो कंट्रीब्यूशन, अब वो जवाहरलाल नेहरू को तो पसंद करते नहीं, बड़ी मुश्किल से उनका नाम लेते हैं। आज प्रधानमंत्री ने जवाहरलाल रेणु जी आज प्रधानमंत्री जी ने जवाहरलाल नेहरू जी का नाम लिया है, पंडित नेहरू का नाम लिया है आज। लिया अच्छा लगा कि आज उन्होंने नाम लिया, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के कंट्रीब्यूशन के बिना आप इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री लिख ही नहीं सकते। जो उन्होंने पिलर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया खड़े किए, जैसे कि आपका पब्लिक सेक्टर है जिसकी बहुत जरूरत थी उस टाइम। अभी हमको लगता है कि हमको वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए सोशलिज्म ये सब पीछे, पर हम अमेरिका नहीं है, हमारे यहाँ बहुत गरीब लोग हैं, हमें उनका देखभाल करना है, हमें उनको अपने लेवल तक लाना है, एजुकेशन में हम पीछे हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। सिर्फ झंडा और तिरंगा लहराने से आदमी जो है नेशन ग्रेट नहीं हो जाता, ये तो ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स भी जरूरी है किसी देश के लिए, पर उसके अलावा ये भी जरूरी है कि आप मतलब कोई कॉन्क्रीट काम करें, देश को आगे बढ़ाएं। और आप कहते हैं कि हमको ग्लोबल पावर है, फिर आप कहते हैं कि अंग्रेजी छोड़ दो, फिर आप कहते हैं वेस्टर्न वेयर छोड़ दो। तो ये बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं जो प्रधानमंत्री अपनी बातें करते हैं। अब आप ग्लोबल विलेज हो, आप ग्लोबली एक ग्लोबल सिटीजन हो, आप जो लैंग्वेज चाहे यूज करें, आप जो लैंग्वेज चाहे, जैसे कपड़े चाहे पहने, जैसा खाना खाए। बीजेपी के लोगों में एक आदत भी है कि एक कंट्रोल रहता है कि आप ये मत खाइए, आप वो मत खाइए, देश के लिए अच्छा नहीं है, या आप सात्विक हो जाइए, जो भी उनका अपना एक एक वर्ल्ड व्यू है, एक थिंकिंग है, पर ये आप लोगों पे इम्पोज नहीं कर सकते। तो मेरे को लगता है प्रधानमंत्री को इन सब चीजों पे उठना पड़ेगा ऊपर, और एक 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 बहुत लार्ज हाथ देश को देना पड़ेगा, जिससे कि सारा की सारी एक इंक्लूसिव सोसाइटी। देखिए कोई भी देश बहुत ग्रेट हो सकता है जब उसके लोग खुश हो। अगर हमारे आधे पॉपुलेशन दुखी होगा, उस गरीब होगा, अपने आप को सेकंड क्लास सिटीजन मानेगा, तो वो देश कभी खुश और प्रगतिशील नहीं हो सकता। उस देश को हमेशा लगता है कि हम कहीं ना कहीं पीछे रह गए। तो मेरे ख्याल में ये सब चीजें हैं जिनको ऊपर प्रधानमंत्री को काफी सोच के और समझ के और आगे बढ़ना चाहिए, और ऐसी पॉलिसीज लाएं जो हर आदमी को इम्पैक्ट करे, हर आदमी को एक एक बेटर जिंदगी की तरफ बढ़ाए। और इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए अभी हमारा बहुत तरक्की हुआ है, बहुत कुछ करने को बाकी है। सिंगापुर ले लीजिए, वही हमसे 200 साल आगे चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और जो उनका वो स्टेट ऑफ द आर्ट उनका वो है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि बहुत कुछ करना है, सिर्फ झंडा फहराने से नहीं होगा। ये भी हिस्सा है डेमोक्रेसी का। अब डेमोक्रेसी है तो आप जो आवाज उठाता है आप उसको जेल में डाल देते हैं, ये तो डेमोक्रेसी नहीं है। फिर आप बार बार ऐसे ओकेजन पर डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो डेमोक्रेसी का मतलब है लिव एंड लेट लिव, सबको हक है जीने का विद इन पैरामीटर। अगर कोई आपको मतलब गाली गलौज बुरी तरह कर रहा है वो अलग इशू है, पर मैं कह रही हूँ बाय एंड लार्ज आपको क्रिटिसिज्म से टॉलरेंट होना पड़ेगा आप, क्योंकि वो भी एक आईना दिखाता है आपको आप किस तरह की सोसाइटी बना रहे हैं और आप किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि अच्छे काम भी हो रहे हैं और उसके अलावा बहुत सारे और अच्छे काम होने बाकी हैं, जिसमें उनको देखना पड़ेगा कि एक भी एक आस लास्ट आदमी जो खड़ा है उसकी आंख में आंसू ना, यही एक ग्रेटनेस हो सकती है एक प्रधानमंत्री की, यही उनका कंट्रीब्यूशन हो सकता है।
होता है जो लोग उन्हें याद करेंगे। और अब उन्हें शायद रियलाइज हुआ जवाहरलाल नेहरू के नाम नहीं लेने के बिना ये इंडिपेंडेंस का बात हम कर नहीं सकते। तो ये एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट है जो मुझे लगता है कि आगे जाके प्रधानमंत्री अब ज्यादा नेहरू जी का किताब पढ़ेंगे, उनके बारे में सोचेंगे, समझेंगे कि वो क्या थे और उन्होंने क्या अचीव किया। हो सकता है उन्होंने बहुत सारी गलतियां की जैसे हर आदमी करता है, पर कोई रीजन नहीं। आज हम रेणू जी, हम नेहरू जी की चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि चाइना के साथ जो जब वार हो रहा था तब नेहरू जी ने जो ब्लंडर किया था, इसलिए उस चर्चा आज हम रखेंगे नहीं। लेकिन जो आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि अंग्रेज को विरोध करो, बात वो नहीं था। बात ये था कि वो कह रहे थे कि जो सोच भारत की है उसको आगे बढ़ाना है और जो सोच विदेश से आया है उस सोच को वो अपोज कर रहे थे, वो मेंटेलिटी को अपोज कर रहे थे, भारत की सोच को अपोज नहीं कर रहे थे। नहीं, मेरे को लगता नहीं ऐसी कोई सोच आई है वहां। देखिए बहुत सारा हमारे बच्चे छोड़ छोड़ के जा रहे हैं विदेश पढ़ने के लिए, तो एक जो वहाँ का कल्चर है वो उनके यहाँ बहुत अच्छे एलिमेंट्स हैं जो हमारे बच्चे एब्जॉर्ब करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं कि सोच गलत है किसी भी देश की। मेरे को लगता है हर आदमी अपने हिसाब से उसको उसको अपना एब्जॉर्ब कर लेता है जितना चाहिए। हम तो शुद्ध तरीके से भारतीय हैं पर फिर भी हम अंग्रेजी फटाफट बोलते हैं, फिर भी हम अंग्रेजी कपड़े पहनते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी भारतीयता में कमी आ रही है। नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बात कोई कह नहीं भी, ऐसा बात कोई नहीं कह रहा है कि कोई ड्रेस पे, भाषा पे। ज्योति, डॉक्टर ज्योति किरण जी कुछ बोलना चाहते हैं, रेणु जी की पे कमेंट करना चाहते हैं। एक मिनट ज्योति जी को बोलने दीजिए। सबसे पहले राष्ट्र बोलिए अमृत महोत्सव की शुभकामनाएं। मैं रेणु जी के विषय से तो मैं इसको प्रतिकार करूंगी निश्चित तौर पर सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी दीपक कि आज का भाषण फिनोमिनल था। मुझे नहीं पता कौन से लोगों ने कौन सा चश्मा लगा के और कौन से अरोमास से उसे देखा, लेकिन आज का प्रधानमंत्री का भाषण फिनोमिनल था तीन दृष्टियों से। पहली बात, भारत की सोच को लेते हुए भारत की विरासत को उन्होंने जिस प्रकार से एक प्राण के तौर पर बताया। अगर आप सिविलाइजेशनल नेशन की बात करते हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो संस्कृति आपके राष्ट्रवाद में प्राण फूंकने का काम करती है। उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण जो बात आज कही वो ये कही कि राष्ट्रीय गौरव की दृष्टि से सबसे पहले हमारे परिवार की शक्ति, मतलब अगर आप सॉफ्ट पावर की अदरवाइज बात करते हैं कि भारत का योग अगर सॉफ्ट पावर की बात करता है तो भारत के मूल्य, पारिवारिक मूल्य भारत की सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्ट पावर है। उसके अलावा उन्होंने मिलिट्स की बात करी और प्रकृति के साथ हमारा जो एक प्रकार का गहरा जुड़ाव है। कुल मिलाकर दीनदयाल उपाध्याय की जो समग्र रचना है, वाक्य रचना के अतिरिक्त कहूँ तो मूल भाव पूरा का पूरा एकात्मानववाद का आ गया, जहाँ आप व्यष्टि से शुरू करते हैं समाज तक जाते हैं, समष्टि तक जाते हैं। मुझे नहीं पता रेणु जी ने किस संदर्भ में प्रभावित होकर कहा, उन्होंने कहा कि भारत की मानसिकता गुलामी से परे हटनी चाहिए। एब्सोल्युटली, तभी तो आप आजाद होते हैं, अदरवाइज आजादी का क्या मतलब। दूसरी बात, उन्होंने आर्थिक आजादी पर बहुत जबरदस्त बल दिया। अभी फ्रीबीज के बारे में इतनी चर्चा चल रही है, फिर नॉमिनली उन्होंने बताया कि केवल कॉम्पिटिटिव, एक वित्त आयोग की अध्यक्षा के तौर पर, पूर्व अध्यक्षा के तौर पर मैं गहराई से कह सकती हूँ कि केवल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नहीं लेकिन कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बहुत सख्त जरूरत है। तीसरी महत्वपूर्ण बात नोट कीजिए रेणु जी, राष्ट्रीय कर्तव्यों की बात, नागरिक कर्तव्यों की बात। बहुत बार हम करते हैं ड्यूटीज के बारे में बात, लेकिन ड्यूटीज के बारे में लाल किले की प्राचीर पे जाके कहना और ये कहना कि महिला के अपमान से रिलेटेड कोई भी इश्यू आपको तुरंत धो डालना है, मुझे लगता है इससे बड़ा, जैसे उन्होंने स्वच्छता की बात कही थी, भारत की प्रत्येक महिला गौरवान्वित महसूस कर रही है कि दो बातें आज वहां से कही गई। और ये बड़ी डीपर इकोनॉमिक इशू है दीपक, जिस पर आप अलग से चर्चा कीजिए, जिसमें मैं बताऊंगी कि महिला के कंट्रीब्यूशन से हाउ कैन यू एब्सोल्युटली, आप किस तरह से अपनी जीडीपी को लिफ्ट अप कर सकते हैं। बहुत गहरी बात, प्रधानमंत्री जी की खासियत यही है जो मुझे लगता है अधिकांश पत्रकार भी महसूस करते होंगे, बहुत गहरी बात को बहुत आरंभ से उठाकर बहुत ग्रोथ की प्रोजेक्ट्री में डाल, जैसे कि महिलाओं के योगदान की आज जो उन्होंने बात की है, ये इस 25 सालों की फिनोमिनल बात होने वाली है, जो कि आर्थिक दृष्टि से एक बात है जिसके बारे में एक गहरे मंथन की जरूरत है। उसके अतिरिक्त उन्होंने जो एक और महत्वपूर्ण बात कही कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध लाल किले की प्राचीर से एक सिंहनाद की जो बात की, ये फिनोमिनल है।
मुझे लगता है कि किसी भी पुराने प्रधानमंत्रियों की कंट्रीब्यूशन को याद करना, इसके बहुत सारे अन्य अवसर हमारे पास उपलब्ध होते हैं, लेकिन जन चेतना के लिए लाल किले की प्राचीर का जिस प्रकार से उपयोग उन्होंने आज कहा, जय जवान जय किसान, उसके बाद में जय विज्ञान किंतु जय अनुसंधान, इसे उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि देश R&D के मामले में कितना ज्यादा सुस्पष्ट है। तो लाल किले की प्राचीर का मैं कहूंगी फुलेस्ट एंड ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन जिस अमृत महोत्सव का, और रेणु जी की बात को एक और मैं आगे बढ़ाऊं, मैं मानती हूं कि हर घर तिरंगा लगा देने से मात्र देश की समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा, लेकिन ये देश है, इस अनुभूति के लिए, इसकी संचेतना के लिए, भारतीयता की अनुभूति के लिए जिस प्रकार का अंदर से आवेग उत्साह और उदात्तता पैदा, जिस राष्ट्रीय चरित्र की आप बात करते हैं वो राष्ट्रीय प्रतीक से आरंभ होता है। जिस देश का झंडा ऊपर होगा उस नागरिक के मन में आत्म, जिसको कहेंगे विश्वास की बात आती है, एक कर्तव्य निष्ठा की बात आती है, तो राष्ट्रीय संचेतना को मुझे तो लगता है आज उन्होंने एक सामाजिक सुधारक की दृष्टि से भी अपना बयान दिया है, एक इकोनॉमिस्ट की तरह से भी बयान दिया है, और एक जनरल इकोनॉमिस्ट की तरह से भी बयान दिया है, और साथ ही साथ राष्ट्र को संचेतना देने वाला भी एक भाषण दिया है। फिर से अमृत महोत्सव की शुभकामनाएं। जी अशोक जी, अशोक उपाध्याय जी, आप वरिष्ठ पत्रकार है, UNI वार्ता के आप संपादक लंबे समय तक रहे हैं, और BJP को भी क्लोजली आपने वॉच किया, कांग्रेस को भी आपने वॉच किया, क्या लगता है आपको कि ये जो रेणु जी कह रहे हैं कि केवल झंडा हर घर में लगाने से, तिरंगा यात्रा करने से भारत की डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन नहीं होगा, तो आप इसको कैसे सोचते हैं प्रधानमंत्री के वक्तव्य? आवाज नहीं आ रहा है अशोक जी, बिल्कुल ना आवाज नहीं आ रहा है अशोक जी आपकी, आवाज नहीं आ रहा है। प्रशांत नंदा जी बताएंगे, रेणु जी के बात पे आप कैसे कहेंगे? नो, वो कह रहे हैं कि हर घर झंडा लगाने से, तिरंगा फहराने से देश की जो है आजादी जो है वो डेमोक्रेसी है जो स्ट्रेंथन नहीं होगा, और प्रधानमंत्री जी कहने से नहीं चलेगा और जो माइंड सेट है उसको चेंज करना पड़ेगा, उसको आप कैसे कहेंगे रेणु जी की बात? मैं रेणु जी जो कहे हैं मैं उनसे खाली एक पंक्ति उनका ले रहा हूँ, एक धाड़ी ले रहा हूँ कि घर घर में तिरंगा लगाना ये एक काम है जिसमें जागरूकता सृष्टि होता है जी, जागरूकता सृष्टि होता है, क्योंकि अगस्त 15 है, आज देश स्वाधीन हुआ, स्वाधीन होने का आज 75 साल मनाया गया, और हम सब भारतवासी अगर घर में एक एक झंडा नहीं लगाए तो सचमुच क्या भारत माता को सम्मान दे रही है? तो वी मस्ट फील प्राउड ऑफ आवर कंट्री, वी शुड फील प्राउड ऑफ आवर कंट्री, और ये प्राउड हमको वो झंडा देखने से मिलता है जो इसमें मिलता है। एक तरफ अगर गौर से देखेंगे उस झंडे को तभी मालूम चलेगा कि प्रधानमंत्री क्या करेंगे नहीं करेंगे वो तो अलग बात है, मैं क्या करूं जी, जब देश जब के लिए आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है? जब झंडे को हम अपने घर में डालेंगे तो सारे देशवासी अगर ये काम करेंगे तो सारे देशवासी वही सोचना चाहिए, वही सोच आएगा भी कि ठीक है हम क्या करेंगे, ये झंडा ये जिसके लिए हमारा परिचय मिला है, इस परिचय वाले झंडे को हम उनका लगन, उनको लगना चाहिए कि वो झंडा हमें पूछ रहा है, झंडा पूछ रहा है कि बोल लेके आके मुझे फहरा दिया, लेकिन मुझे देख के ये तो बता तू करेगा क्या, तू कैसे जोड़ेगा, तू अपने एक जो राम सेतु में जो जो बाली झाड़ा था तो उसका वो काम करेगा क्या, स्क्विरल का, स्क्विरल का काम तू करेगा क्या, तू कितना करेगा ये तो शपथ कर। तो प्रधानमंत्री ने तो सारा देश के लिए बोला, लेकिन मैं बोलता हूं हम खुद को आज के दिन उस झंडे को देखकर बोलना चाहिए कि 75 साल से तुम्हें देख रहा हूं, और 75 साल अगर मुझे 75 साल हुआ तो मुझे जवाबदारी करना पड़ेगा उस झंडे को, 75 साल में मैं देश के लिए क्या 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 नहीं कर पाया,
जो नहीं कर पाया वो करने की प्रतिज्ञा लेने का दिवस है आज। जी बिल्कुल आपने सही कहा दीपक जी, तभी ये जो नागरिक कर्तव्यों की बात जो उन्होंने आज बात कही, बहुत मार्मिक नागरिक कर्तव्यों की जो बात जो प्रशांत जी ने कही, और नागरिक कर्तव्यों को लाल किले की प्राचीर से देश के नागरिकों को याद दिलाया, और याद दिलाया कि प्रत्येक मैं भी उसका हिस्सा हूँ और प्रत्येक मुख्यमंत्री भी उसका हिस्सा है। तो राष्ट्रीय कर्तव्यों की बात भी किसी ने याद दिलानी चाहिए, और हमारा ध्वज हमें राष्ट्र गौरव के साथ साथ अपने कर्तव्य की बात भी याद दिलाती। इसीलिए शायद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर घर में तिरंगा आना चाहिए, क्योंकि जो भारत की समग्र विकास हुआ है इसमें सर हर नागरिक का इसमें रोल है, और यही उनकी भावना था देश के प्रति। ज्योति जी आप ये बताइए, जो बिकॉज आप इकोनॉमिस्ट है, आप एक्सटर्नल अफेयर्स इश्यूज पे भी लिखते हैं, तो क्या आपको लगता है कि विदेशों में भी भारतीयों का कैसे मन बड़ा हुआ है, आज कैसे वो गर्व से कहते हैं, वो फर्क है क्या 2014 के बाद, वो फर्क आज दिख रहा है क्या? पिछले वर्ष मैं पूरा वर्ष विदेश थी, आपको पता है अमेरिका थी, मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती कि माननीय प्रधानमंत्री के विजिट के साथ साथ, जैसे आज अगर आप देखेंगे तो मुझे 5 शहरों से इन्विटेशन है, 1 शहर से 5 अमेरिकन शहरों से इन्विटेशन है, जहां पर भारत के स्वतंत्रता दिवस को मनाया जा रहा है। मुझे लगता है कि इससे बड़ी यूके से इन्विटेशन है, यूनाइटेड स्टेट्स के 5 शहरों से इन्विटेशन है, इसके अतिरिक्त आप देखेंगे और जो मनाने का स्केल है, प्रधानमंत्री अक्सर कहा करते थे स्पीड एंड स्किल एंड स्केल, तो प्रधानमंत्री के स्किल से उनकी विदेश नीति की जो, और भारत अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी में जो भारत ने एक तरीके की लीडरशिप हासिल की है, उस दृष्टि से विदेश में भारतीय स्वतंत्रता केवल डायस्पोरा में नहीं, केवल डायस्पोरा की मैं बात नहीं कर रही, उसमें शामिल होने वाले लोगों की संख्या बहुत बड़े स्तर पर विदेशी भी है। तो भारत की विदेश नीति से, भारत के वर्ल्ड आउटलुक से, और भारत के प्रति विश्व के देखने में जो अंतर आया है, मैं आप मेरी बात मत कीजिए, एज एन इकोनॉमिस्ट मैं आपको बता सकती हूँ, विश्व भर में जहाँ जहाँ के ट्रांजेक्शन्स का 40% डिजिटल ट्रांजेक्शन वो इंडिया कर रहा है आज की डेट, जहाँ के ग्रामीण क्षेत्र में इतना जबरदस्त फाइबर ऑप्टिक से रिलेटेड कनेक्टिविटी बढ़ रहा है, भारत की ये दशाब्दियां हैं दो। और याद रखिए कि इस समय आने वाले समय में अगर कोई भी आप कहेंगे कि रेट ऑफ ग्रोथ जहां पर 5% से ज्यादा सस्टेन्ड हो, दैट विल बी जी। अशोक जी आपका आवाज आ रहा है क्या? आप कुछ बोल रहे थे, आवाज नहीं आया, अभी भी नहीं आ रहा है। चलिए अशोक जी का आप नेक्स्ट टाइम आपका व्यूज लेंगे, आपका आवाज अभी भी नहीं आ रहा है। ज्योति जी आप बोल रहे थे कि विदेशों में भी आज भारत की मान सम्मान बढ़ी। तीन बातें आपको कहना चाहती हूँ। अभी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी आई जो एक फाइनेंस एक्सपर्ट रुचि शर्मा, इन्वेस्टमेंट के बहुत बड़े एक्सपर्ट है, भारत के हैं, जयपुर के, उन्होंने अभी प्रणय रॉय के साथ में, मैं नाम से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अक्सर कर आप जानते हैं कि भारत की प्रगति पर, भारत के आउटलुक पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले बहुत सारे लोग हैं, और उसमें एक इंटरव्यू उनका अभी 4-5 दिन पहले आया जिसमें उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि भारत की रेट ऑफ ग्रोथ 50 के दशक से अब तक देखे तो वी शेप है, ये पहली बात। दूसरी बात, 5% से आगे बढ़ने वाली जो इकोनॉमीज है वो विश्व में जहाँ रेट ऑफ ग्रोथ गिर रही है वहाँ भारत की रेट ऑफ ग्रोथ बढ़ रही है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, क्योंकि अब आपके पास समय उपलब्ध है तो मैं कहूँ कि माननीय प्रधानमंत्री ने आज जो महिलाओं के योगदान की बात कही है वो इसलिए कही है दीपक, कि विश्व के अन्य देशों में जहाँ आयु सीमा बढ़ करके वर्किंग पॉपुलेशन घट रही है, भारत में भी भारत का यंग पॉपुलेशन की परसेंटेज इंडिया का बढ़ा हुआ है, लेकिन घटने लगेगी, और जब वो प्लेटो पे आएगी तो जो आपकी महिला शक्ति है जो कभी 21% ही केवल एम्प्लॉयड है, अगर आप उस महिला, आप प्रधानमंत्री के भाषण को अंडरलाइन कीजिए, मैं उस हिस्से को अंडरस्कोर कर रही हूँ जहाँ उन्होंने कहा कि अगर ये सस्टेन चाहिए तो हमें महिला के कॉन्ट्रीब्यूशन को बढ़ाना होगा, वो केवल टोकनिज्म के लिए की भी बात नहीं है, उसका बहुत ही गहरा अर्थ है, वो ये कि अगर भारत की 20% महिलाएं भी और कंट्रीब्यूट करने लगती है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में तो अपनी रेट ऑफ ग्रोथ विश्व की रेट ऑफ ग्रोथ से आगे बढ़ेगी। जी तो जी जी सारगर्भित भाषण है। जी 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 धन्यवाद आपको, आज का समय हो रहा है, मैं सबको ये जानकारी देना चाहता हूँ, आज श्री अरबिंदो जी का भी जन्मदिन है,
और आज प्रधानमंत्री सभी को लगभग सभी प्रांतों से जितनी लोग इस देश की आज़ादी के लिए कंट्रीब्यूशन किए थे, चाहे वीर सावरकर हो, चाहे पंडित गोपबंधु दास हो, चाहे पन्ना धाई हो, चाहे मदन मोहन मालवीय जी हो, हर व्यक्ति, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा, सबका कंट्रीब्यूशन मिला है। आज जो विश्व में एक डेवलप्ड नेशन की तरह भारत जा रहा है, भारत डेवलपिंग नेशन की श्रेणी में है, तो डेवलप्ड नेशन की तरह जो भारत जा रहा है उसमें हम सब की कंट्रीब्यूशन है, स्पोर्ट्समैन की है, म्यूजिशियंस की है, साइंटिस्ट की है, फार्मर्स का भी है। तो ये एक कॉन्फिडेंस आज लोगों का अंदर बढ़ा है और हम लोग उम्मीद करते हैं भारत आज़ादी की अमृत महोत्सव मना रहा है। ये जो टेम्पो है, ये जो स्पिरिट है, ये जो पैट्रियोटिज्म है, ये आगे बढ़ता रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि विश्व में भारत विश्व गुरु बना है, बनता ही रहेगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम।